पाकिस्तान पाकिस्तान बॉयज एंड गर्ल्स, हमारी टीम हार रही है, क्या हो रहा है? यूएसए वाले सारे इंडियन है, देख रहा हूँ मैं तुम लोगों को। मारो ना, पढ़ो ना, पढ़ो ना। हाँ भाई, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। मेरे साथ आज है फिजा खाना और आज का प्लान बॉयज एंड गर्ल्स ये है, जैसे आप चेक करो शर्ट हमारी ग्रीन है, तो भाई पाकिस्तान और यूएसए का मैच हो रहा है, वेरी क्लोज टू होम, 15-20 मिनट का रास्ता है, बिल्कुल ये हो रहा है ग्रैंड पेरी स्टेडियम में। और बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैच देखने जा रहे हो कि नहीं जा रहे। मैं कहा था यार सब्र करो, अभी टिकट्स वगैरह खोलेंगी तो जरूर जाएंगे। तो जैसे ही टिकट का ना स्पॉट वगैरह खोला ना, वैसे ही ना मैंने जल्दी से पकड़ ली टिकट, महंगी पड़ी लेकिन मिल गई। मैंने कहा यार मैच तो जरूर जाके देखना, अमेरिका के अंदर अपनी पाकिस्तान टीम का पहला मैच हो रहा है, ये चीज है जो देखने वाली जाके और आप लोगों को दिखाने वाली भी है। तो एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, बस रेडी हो जाए। मैंने सुना स्टेडियम में बहुत हल्ला गुल्ला, बहुत शोर हो रहा है, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, आप लोगों भी साथ इस एक्साइटमेंट पे रोलर कोस्टर पे लेके चलते हैं। ट्रैवल सी यू गाइस देयर। बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये है कि हम यहाँ पे आ गए हैं, वो देखो आपको नजर आ रहा होगा गेट 3 ICC 2020 आ रहे हैं यहाँ पे। देसी अपनी आवाम काफी ज्यादा भर भर के पाकिस्तान की, यार कभी इतना इंटरेस्ट ही नहीं हुआ। नहीं पता बॉयज एंड गर्ल्स कहाँ पे है, जहाँ पे मैं घोड़ों की रेसेस नहीं आपको दिखाने आता था, बिल्कुल वो सामने जगह घोड़ों की रेसेस वाली और उसकी राइट पे स्टेडियम है। मेरे पुराने अगर ब्लॉग जो बहुत ओजी देख रहे, वली भाई के साथ आया करता था मैं। पाकिस्तान की दो आउट हो गई है, अल्लाह की कसम दिखाओ। बॉयज एंड गर्ल्स 22 रन पे पाकिस्तान के दो आउट हो भी गए, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लग रहा है कोई यूएस की ना गर्मी जो भी हो रही है ना, मौसम बर्दाश्त नहीं हुआ, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी यार। सारी ऑडियंस ही हमारी है, सारी मतलब क्राउड ही हम लेकर आ रहे हैं और हमारे लोग हार जाए। कोई नहीं, भी मैं एंटर नहीं हुआ स्टेडियम में, रुको जरा भी देखो, मैं एंटर होता ना कैसे हम जीतने लग जाएंगे। लो जी बॉयज एंड गर्ल्स, एज यू कैन सी हम यहाँ पे अंदर आ गए हैं, टिकट हमने कर ली थी अपनी, यहाँ पे लोग ये पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि लसन लग गई हमें, हम दो आउट हो चुके हैं, दो आउट अभी से हो चुके हैं और लोग शुगर लगा रहे हैं। और चेक करें जरा, हमारा तो सीटिंग वाला है भाई। यूएसए में मैं तुम्हें कह रहा था, यूएसए की टीम में इंडियन लोग हैं। चेक करो जरा बॉयज एंड गर्ल्स एनर्जी, क्राउड, वो इतना छोटा स्टेडियम है, वो हमारे सामने खेल रहे हैं, हमारी टीम पाकिस्तान वो ही खेल रही, बॉयज एंड गर्ल्स वो देखो वो सामने खेल रहे हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ब्रीद एयर, फिर से आउट हो गए। बॉयज एंड गर्ल्स, हमारी टीम हार रही है, क्या हो रहा है? यूएसए वाले सारे इंडियन है, देख रहा हूँ मैं तुम लोगों को। बॉयज एंड गर्ल्स, जब तक हम अपनी सीट ढूंढेंगे ना, तब तक सारे आउट ना हो जाए पाकिस्तान के, इससे पहले हम जल्दी से बैठ जाते हैं। फिर स्कोर देखना क्या जा रहा है, वो बोर्ड पे लगा होगा 27-3 आउट, लेकिन 4 ही ओवर है, कुछ नहीं होता अभी, हमारे पास 16 ओवर है, एक हमारा आ जाएगा, एक बॉय के बल्ले पे चढ़ देना। ये देखो असल में यूएसए में इंडियन लोग खेल रहे हैं, मैं तुम्हें कल कहा था ना, यूएसए की भी बड़ी आवाम आई हुई है। बॉयज एंड गर्ल्स जैसे यू कैन सी, वो देखो यूएसए के टोपियां पहन के आए हुए हैं, अच्छा इसमें गोरे भी हैं कुछ, लेकिन बहुत लिमिटेड है। पाकिस्तानियों के तो मुंह बने हुए हम सारों के, कोई मसला नहीं यार, अभी मैं सबको चीयर अप करता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। ओ क्या हाल है भाई, आई थिंक यही पे है, यही है 7-8। नाक कट रही है, कुछ करो। कौन आउट हुआ अभी? मैं आया अभी हूँ। फखर जमान आउट हो गया, फखर जमान आउट हो गया, रिजवान भी आउट हो गया, और ये टेस्ट मैच खेलना शुरू कर दिया बाबर भाई ने। ये देखो छक्का है क्या, के छक्का है, देखना जरा, विकेट है मूसा भाई, है विकेट है, नहीं विकेट नहीं है, विकेट वही है यार, क्या हो गया, हार के ब्लॉग नहीं चढ़ेगा। छक्का छक्का, यार मारो छक्का, क्या कर रहे हो भाई, पाकिस्तान जीतेगा, यूएसए यूएसए में जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। व्हाट इज द सेंस, क्या हो रहा है यार, हमारी आवाम को एनर्जी चाहिए थोड़ी सी। Thank you. जा सकता हूँ मैं ग्राउंड में, व्यूज देखें, लाइव नेशनल टीवी भी आ जाएंगे और आपके यूट्यूब में भी आ जाएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा, मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन डर के आगे जीत है, बस थोड़ी मार पड़ेगी और कुछ नहीं होगा। हालो जाए, इतनी खाई एक तो हार खा लेना। हाँ बात तो सही है, यूएसए की टीम में इंडियंस ही हैं सारे, एक पाकिस्तानी है। ये देखो यहीं पे छक्का आएगा इंशाल्लाह। यार जब से हैं वो एक चौका एक छक्का नहीं पड़ा यार, समझ जाओ मसला ये आपका मसला मेरे, नहीं मैं तो जब आया भी नहीं था तब 3 आउट हो गए थे। छक्का, ओए ओए चौका हो जाए प्लीज यार, ये बंदा छोड़ता नहीं है। और जिंदाबाद पुत्र, मजा आ गया। देखो बाबर आजम पानी पीने के, भाई गर्मी बहुत हो रही है अभी। Few moments later.
छक्का यस, ये चार वाले नीचे कर दो, छक्का हो गया। पानी पीने की जरूरत थी सिर्फ, हीरो मुर्शद का पड़ा हुआ पानी था, दम वाले पानी की जरूरत थी और कुछ भी नहीं। कमान कमान कमान, ओए राइट, ये नहीं हारते, नहीं हारते, टेंशन नहीं लेनी। मिस्टर गॉट एक और छक्का प्यार से, ओए गाइस देखा रिडेम्पशन गेम, वापस 95 हो गए तीन आउट पे। अब भाई बाबर और शदाब जो है ना, उनकी वो जजगी है जोड़ी नहीं, ओए ओए गद्दारो। 98 पे तीन आउट और हमारे हो गए 12 ओवर, सिर्फ रह गए हमारे पास 7 ओवर और 3 बॉल है। कोई नहीं, अब देखना छक्के बजेंगे, रख रख के भाई बॉयज एंड गर्ल्स। मारो नु पड़ो नु चूतिया, नहीं नहीं यार, लव यू लव यू यार, मजाक कर रहे हैं यार, थैंक यू सो मच यार। यार दुआ करो कुछ बन जाए यार, कल मैं डालूंगा जीत के हम ख्वाबों में। आउट हो गया, फोर आउट हो गया, कैच पकड़ लिया, शिट यार ये क्या आउट हुआ यार, ये आजम खान आ गए, आजम आजम जल्दी आउट हो गए थे और तीन आउट होने के बाद इन्होंने अच्छी पार्टनरशिप में आके कमबैक किया। हो जाएगा, क्या पता हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी हो खेली। ओए माशाल्लाह बड़ा हेल्दी प्लेयर है यार, वो इसमें जो आने मारेगा। आउट हो गया, व्हाट द What the hell? What? What? अभी तो मैंने बात की, अब मारेगा आके। क्या हाल है यार, यार जो जो मेरे से मिलते आ रहे हैं, एक एक आउट हो ही जा रहा है। यार हमारा हेल्दी बच्चा, अब डाइट वाले प्लेयर चाहिए हमें, ऐसे नहीं हो सकता। शिट यार, अब नहीं आउट होना चाहिए यार, क्या हो गया, अब बॉल आउट ऑफ द स्टेडियम। अब हाँ छक्का है, कह के छक्का, इंशाल्लाह छक्का छक्का छक्का। ओए छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, पैर चो ये हार गए ना, बहुत बैड सीन हो जाएगा। Oh yes, yeah! Jaju, 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 yeah! Yeah, the ball came. Yeah! And this is the Few moments later. कौन आउट हो गया? हुआ कौन है? बाबर हुआ? बाबर हुआ। बाबर हुआ आउट। अबे यार। शाहीन अफरीदी आ गया। ओए। ओके। No worries, no worries। ओए 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 शाहीन अफरीदी का छक्का फुल टॉस पे। जबरदस्त मजा आ गया। क्या बात है? क्या बात है? ओ! बैटिंग शुरू हो गई है, 1 ओवर और 5-4 बॉलों पे 14 स्कोर हो गया, बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी वो, अपनी इनकी बैटिंग आ गई है। पाकिस्तान हार जाएगा? नहीं नहीं यार, देखो तुम ये अफरीदी का आउट है, बड़ा नाप तोल के खेल रहे हैं। मैंने कहा यूएसए में इतना नहीं चलता क्रिकेट, क्रिकेट क्या ही टीम होगी इनकी। यार वैसे मैंने एक देखी है चीज, यूएसए जिस स्पोर्ट पे हाथ रखता है ना उसमें अच्छा हो जाता है। यार इनकी खुराक की बात असल में, बॉयज एंड गर्ल्स बात है, यहाँ पे जो खुराक है ना, देखो भाई घी भी कुछ नहीं होता, वो सीधे हार्मोन इंजेक्ट करते हैं, पेट ही निकलता है हमारे घी भी से। इसी ने मुझे कहा प्लेयर्स कल बैठे नहारियां खा रहे थे, हुक्का पी रहे थे, मैं पाकिस्तानी प्लेयर को बिल्कुल हेट नहीं दे रहा, कोई मसला नहीं है, अमेरिका में आए हो अभी आप, मौसम की वजह से भी हो सकता है, कुछ नहीं होता, एंजॉय अमेरिका, मजे करो यहाँ पे। 2 ओवर 5 बॉलों पे उन्होंने 24 मार लिया, वो जा रहे हैं प्लेयर्स उठ के। ओह फर्स्ट क्लास, आउट आउट दे दे। ओए कह रहे नहीं, दिस द सेंस, व्हाट इज द सेंस, लेटर आउट हो गया। यस यस वसीम शाह ने ली है पहली विकेट, आंड्रेस, ओह माय गॉड, ऑल आईज ऑन रफा भाई, ऑल आईज ऑन रफा, फ्री पैलेस्टाइन, दो दो झंडे लाए। मुझे भी चाहिए था अंदर ना, वो रेड और ब्लू शर्ट पहना था ना, ये ग्रीन वाली उतार की अंदर से, सेफ साइड तो यूएस की साइड बता सर। मैं और फिजा अभी चेयर से उठे हैं, उसमें इन्होंने 2 छक्के मार दिए यूएस वालों ने, हालात बहुत गमगीन और बहुत बुरे लग रहे हैं इस वक्त, थोड़ी छांव में जा रहे हैं, धूप में सड़ के ये छक्के मेरे से देखे नहीं जा रहे, वो देखो जरा, वो देखो, वो देखो, वो देखो जरा, बॉय ओए होए, सबके मुंह पे लानत भेजी उसने बल्ले से। टेक्सास की हीट
की आदत नहीं, टेक्सास की हीट की आदत नहीं, लेकिन लाहौर की है, कराची की है, वो तो उससे भी ज्यादा होती है। व्हाट इज द सेंस? ने देसी लोग यूएसए के नारे लगा रहे हैं, गलत बात है यार। क्या करें, इस टीम के लिए तुम दोगे, इधर तो आके टी शर्ट भी बदल लेनी चाहिए, वो बदलनी चाहिए थी, लाए अंदर एक्स्ट्रा एक बढ़िया आखिरी में निकालेंगे वो। चलो सही है, ये इंडिया से खेलेंगे। हाँ, और इंडिया तो उड़ा के रख देगा यार, उड़ाएगा क्या, इनको पहुंच नहीं देगा। तो ना रात को शीशे पी रहे थे, निहारियां खा रहे थे सर, कल रात को डंपो खाया, डंपो यार तो नहीं मानी किसी ने, बता दो। नहीं 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 मानी, नहीं 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 मानी, नहीं 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 नहीं, ये दोनों हमारी कंट्री है, क्या हो गया भाई, दिल से पाकिस्तानी और पासपोर्ट से यूएस, पासपोर्ट कोई नहीं, इंशाल्लाह जीतेंगे, जीतेंगे पाकिस्तान बॉय। क्या हाल है, यूएस वालों के साथ यूएसए के साथ होया तो सीधा कर लें, सीधा कर लें, टेन सेकंड्स लेटर जीत गया पाकिस्तान। हाँ यार अभी आए हो आउट, मैं थोड़ा और आगे चला तो। Oh my God, दो बॉलें रह गई हैं, छह स्कोर, और छक्का ना मार दी भाई, और छक्का ना मार दी, लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल पे इनको कितना चाहिए, चार सुपर ओवर पहुंच गया, शुभम लग जाएगा, सुपर ओवर, सुपर ओवर होना चाहिए, प्लेयर भी नहीं बैल, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर बॉयज ने। सारे फैंस आ गए खड़े हो गए। अबे ना कर भाई, आते ही आप भाई साहब चौका खा लिया हमने, मोहम्मद आमिर ने दो कंसेक्यूटिव वाइड्स करा दी लास्ट बॉल पे, और उन्होंने दो रन भी इसके ऊपर ले लिए, आउट है, आउट है। अबे यार हर बॉल पे दो दो रन ले रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, फाइनल बॉल है, क्या लगता है तुम, हम छक्का मार लेंगे लास्ट बॉल पे, लास्ट बॉल पे सेवन रन चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स, जा रही है हमारी पाकिस्तानी वहां उठ के, पाकिस्तान जीत गए, यूएसए जीत गए यार। बॉयज एंड गर्ल्स पाकिस्तान जीत गया मेरे दिल में, कुछ नहीं होता, हार जीत होती रहती है, देखो फिर यूएसए तो यूएस है ना एट द एंड ऑफ द डे, और तू तो क्रिकेट में कैसे पीछे रह जाते हैं मुझे बताओ, ये देखो कैसे मुंह बने हुए सारे पाकिस्तानी फैन के, समझ नहीं आ रही, सारे निकल रहे हैं इस वक्त, जो सिटीजन है ना यहाँ के वो तो वैसे भी खुश हैं, मसला हमारी मुल्क के लोगों को होगा। सीन ये कि जब मैच से मैं वापस आए थे, मेरा सर इतना पका हुआ था कि आई डिडंट इवन नो व्हाट टू से, इतनी गर्मी थी कि दिमाग चल नहीं रहा था, बट आफ्टर सीइंग ऑल द न्यूज़ एवरीथिंग पीपल टॉकिंग अबाउट इट, और मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैं आपको सारी चीज़ें ना एक फॉर्म करके बताता हूँ। पहली बात तो जो हम यूएसए से हारे हैं, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि ये लोग जो यूएसए की टीम है ना, इनको $250 पर डे मिलते हैं एंड दे आर नॉर्मल ऑफिस वर्कर्स, तो मैं बताना चाह रहा हूँ उन लोगों ने हमें अपने डे ऑफ पे ऑफिस के, उनको डे ऑफ में लोग ऑफिस होने का, चलो आज डे ऑफ पे ना जाके क्रिकेट खेल लेते हैं, और उन्होंने आके तुम्हें हरा दिया। तुम मुझे बता रहे हो कि मेरे जैसा बंदा इस तरह के कपड़े पहनता है ऑफिस में जाके, ये देखो ड्रेस पैंट पहन के, ड्रेस शर्ट पहन के कंप्यूटर पे अपने काम करता है रोज, उसने ऑफिस से छुट्टी लेके घर जाके बल्ला पकड़ा ग्राउंड में, और तुम लोग छक्के छुड़ा दिए, और ये लोग वो है जो स्पॉन्सर कंटेंट सर्व करते हैं, दुनिया में भर में फ्लाई कर रहे हैं, जिनको हमारी अवाम लिटरली पूजा करती है। तो तुम मुझे बताना चाह रहे हो हम ये ऑफिस बॉयज से हार गए, जो अपने बच्चे को वीकेंड में जू लेके जाते हैं, अगेन अपनी पाकिस्तानी टीम को हेट नहीं देना चाह रहा, आई यूज टू बी लाइक दैट, बट आई थिंक इट जस्ट कम्स फ्रॉम एन इमोशनल साइड, हो सकता है कभी कभी होता है कि बुरा दिन भी होता है टीम का, यू नो परफॉर्मेंस इतनी कंसिस्टेंट नहीं रहती, लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं मैच देख रहा था ना, कहीं कहीं मौकों पर ऐसा लगा कि यार हमारी ना वो एक विल होती है टू विन, वो नजर ही नहीं आ रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि बस खेल रहे हैं बच्चों के साथ पार्क में, बड़े चिल होके आए थे, दे वरंट प्रिपेयर्ड, हो सकता है ये बहुत इजी ले गए यूएसए वाले को, और फिर जब यूएसए ने अच्छा परफॉर्म करने लगा तो ओ शिट यार शिट्स गेटिंग रियल, लेकिन पता है बात क्या आ जाती है यार, हमारी जो कौम है ना पाकिस्तान, वो बड़ी इमोशनल है, और ये मैं बार बार देखता रहता हूँ एवरी अकाउंट, चाहे हम चाइना में हो, चाहे हम नॉर्वे में हो, डेनमार्क में, यूएसए में, दुनिया के हर कोने पे ना बड़े इमोशनल है, और वो मुझे कल नजर आया कहाँ कहाँ से लोग फ्लाई करके कितनी कितनी जगहों से दूर ये मैच सिर्फ
देखने आए थे इन होप्स कि हमारी अच्छी परफॉर्मेंस देखें। और ये तुम सोचो कि लिटरली स्ट्रेचर पे लोग लेट के गए, इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी, कोई शेड नहीं था, सर पे सबके धूप पड़ रही थी, लोग कुछ एम्बुलेंसेज आ रही थी, हीट स्ट्रोक हो रहे थे लोगों को, तो वो लोग इतना प्यार करते हैं। लेकिन कौन जो इसका ये आ जाता है कि फिर जब आप गंदी परफॉर्मेंस देते हो तो इमोशनल होकर आपको लोग गालियां भी बड़ी देते हैं और आपको लोग बातें भी बड़े सुनाते हैं। तो मेरा पर्सनल लाइफ में मोटो है कि अपने इमोशंस को स्टेबल रखना चाहिए। इन चीजों को जो आउटकम होता है ना वो आपके हाथ में तो है ही नहीं, हमें इमोशन लेस होके इन चीजों को देखना चाहिए एक क्रिटिकल स्टैंड पॉइंट से। क्योंकि इसका मसला पता है होता क्या है, अब ये जब प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो हम इनके उठा भी लेते हैं, कहती है कि आप हमारे बाप हो, किंग बाबर, किंग दिस। यार अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस कभी कर भी लेते हैं, हम इनको इतना सर पे क्यों चढ़ाते हैं, यू नो, इफ यू आर दैट गुड ऑफ अ प्लेयर दिस शुड बी एक्सपेक्टेड ऑफ यू। और इसमें फिर इसका फायदा ही होता है कि जिन दिन उनकी गंदी परफॉर्मेंस होगी उन दिनों उनको इतना बैकलैश भी नहीं आएगा क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं रख रहे, यू नो। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक और बात एंड में करनी थी कि यार खत्म हो रहा था ना T20 की गेम, तो लास्ट बॉल थी उस पे जब चौका खा लिया था ना पाकिस्तानी टीम ने, तो मुझे थोड़ी सी सस बात लगी थी, आई स्वेयर टू गॉड, व्हाट आर द ऑड्स के स्कोर है 155 यूएसए टीम का और तुमने लास्ट बॉल पे लेके जाके चौका खा लिया। मतलब मैं रो की शक्लें देख के मुझे दुख हो गया, लोगों के रोने वाली शक्लें हुई थी, कुछ लोग मैं आंसू देख रहा हूँ, लोग इतने इमोशंस अटैच करते हैं क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान की ना हमारी एक प्राइड ही है, क्रिकेट ही हमारी एक प्राइड ही है। हमारे मुल्क में वैसे तो इतनी अच्छी चीजें होती नहीं है, ना हमारा मुल्क किसी और चीज में रैंकिंग में आता है, तो क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो हमें यूनाइट करती है और जिसके बारे में थोड़ा फ्लेक्स कर सकते हैं दुनिया में। अब क्या दुनिया में फ्लेक्स करें जब यूएस ऐसी टीम है जो पहली दफा इंटरनेशनल क्रिकेट आगे खेल रही है, उन्होंने हमारी आई डोंट नो वीजा और ग्रीन कार्ड का चक्कर भी हो सकता है, हु नोज, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट वाज फनी एंड सैड एट द सेम टाइम। आई वोंट लाइ, मजा फिर भी है स्टेडियम में जाके जो मैच देखने का मजा है ना उसका सीन ही अपना है। बट विल आई गो टू न्यूयॉर्क पाकिस्तान वर्सेस इंडिया? मैं घर के एसी में बैठ के आराम से मैच देख लूंगा और यहीं से बातें कर लूंगा भाई सारी। इफ यू एंजॉय द व्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन और वीडियो को भी लाइक कर दें, एंड मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो कर ले क्योंकि वहां पे कॉन्टेंट डिफरेंट होता है, इट्स प्रीटी फन, यू विल लर्न अ लॉट। इंशाल्लाह अगला व्लॉग जो होगा वो होगा उजैर जो हसन है जो कि लिविंग ऑन द एज का हमारा बड़ा फेमस कंटेस्टेंट, ही इज ऑल्सो अ मॉडल एंड गाय हु मेक्स पॉडकास्ट विद अ लॉट ऑफ ग्रेट पीपल, उसका मेरा एक व्लॉग हमने शूट किया एंड विल टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। Go ahead, be gone with it.